गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. लास्ट क्लास में हमने कथा सिद्धांत और उसके मुख्य बिंदुओं मेन पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे कथा सिद्धांत के अनुसार क्रियाकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर दो शर्तों पर निर्भर करती है. पहली ये शर्त है कि टकराने वाले अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या है, कैसी होती है. टकराने वाले अणुओं की निश्चित गतिज ऊर्जा, निश्चित गतिज ऊर्जा. पहला है टकराने वाले अणुओं की निश्चित गतिज ऊर्जा. तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले सक्रिय अणु जो होते हैं वो निश्चित गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, अतः उनके मध्य टक्कर द्वारा सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होकर क्या होता है, उत्पाद बनता है या उत्पाद बनने की संभावना रहती है. अभिक्रिया में भाग लेने वाले सक्रिय अणु जो होते हैं वो निश्चित गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, अतः उन सक्रिय अणुओं के मध्य टक्कर द्वारा सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होकर उत्पाद बनने की संभावना रहती है. कल हमने पढ़ा था कि केवल वही टक्कर उत्पाद में परिवर्तित होती है जो सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करती है. ठीक है, तो सक्रिय अणुओं के मध्य टक्कर द्वारा या सक्रिय अणुओं के मध्य टक्कर द्वारा सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद वो उत्पाद में परिवर्तित होती है. तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले सक्रिय अणु जो है वो निश्चित गति ऊर्जा युक्त होते हैं. सक्रिय अणु निश्चित गति ऊर्जा युक्त होते हैं. अभी क्या भाग लेने वाले सक्रिय अणु निश्चित ऊर्जा, निश्चित गति ऊर्जा युक्त होते हैं, अतः उनके मध्य टक्कर द्वारा सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होकर, सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होकर उत्पाद बनने की संभावना रहती है. उत्पाद बनने की संभावना रहती है. ठीक है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले सक्रिय अणु निश्चित गति ऊर्जा युक्त होते हैं, अतः उनके मध्य टक्कर द्वारा सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होकर उत्पाद बनने की संभावना रहती है. अब यदि एन क्रियाकारक, यदि कैपिटल एन क्रियाकारक अणुओं में स्मॉल एन सक्रिय अणु हैं, तो यदि कैपिटल एन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल. ठीक है, तो सक्रिय अणुओं का अंश क्या होगा, एन अपॉन
बोल्ट्जमैन द्वारा बोल्ट्जमैन घटक के रूप में दर्शाया गया है, दर्शाया जाता है। अब हमने बोल्ट्जमैन घटक कहां पढ़ा था? अरेनेशन में पढ़ा था, अरेनेशन पढ़ा था, तो वहां पे क्या था बोल्ट्जमैन घटक क्या क्या था? है ना, तो बोल्ट्जमैन द्वारा बोल्ट्जमैन घटक के रूप में किस प्रकार दिया जाता है? तो सक्रिय अणुओं का is equal to n upon n is equal to e e की पावर माइनस e a upon r, ठीक है। तो ये बोल्ट्जमैन द्वारा इन सक्रिय अणुओं के अणुओं बोल्ट्जमैन द्वारा बोल्ट्जमैन घटक के रूप में दर्शाया जाता है। तो सक्रिय अणुओं का अंश n upon n is equal to e की पावर माइनस e a upon r, इसको लगा दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको लगा दिया इक्वेशन नंबर 1। अब टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? सक्रिय अणुओं के अंश पर निर्भर करता है। लास्ट पॉइंट क्या था? एक पॉइंट में लास्ट पॉइंट था कि अभिक्रिया का वेग प्रभावी तत्वों की संख्या के समानुपाती होता है, लेकिन हम प्रभावी तत्वों की संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते, अतः अभिक्रिया का वेग जो है वो टक्कर की आवृत्ति और सक्रिय अणुओं के अंश की क्या होती है? समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग टक्कर की आवृत्ति और सक्रिय अणुओं के अंश के समानुपाती होता है। तो अतः संपर्क या टक्कर सिद्धांत के अनुसार कुल संख्या क्या कहलाती है? टक्कर आवृत्ति कहलाती है। तो
क्रियाकारक में से क्रियाकारकों के मध्य होने वाली तत्वों की कुल संख्या ये टक्कर क्या होगी
प्राप्ति है और प्रभावित अंतर होगी यानी कि ये सक्रिय संपूर्ण से होते हुए उत्पाद का निर्माण नहीं करेगी। ये टक्कर जो है वो सक्रिय संपूर्ण से होते हुए उत्पाद का निर्माण नहीं करती है, लेकिन यदि H2 और I2 इस तरीके से
दो व तीन से, समीकरण दो और तीन से क्या होगा, ये और ये क्या करेंगे आपस में बराबर करेंगे, तो r को r is equal to a n square is equal to क्या होगा z e की power minus d a upon r e, या अब यहां से k निकालेंगे, k क्या हो जाएगा, k is equal to z upon n square e की power minus d a upon r, ठीक है, तो k क्या आया यहां पे अपने पास, अभी क्या देखिएगा ये क्या आता है, k is equal to z n square z upon n square into e की power minus d a upon r, ठीक है, अब यहां पे जो ये जो चक्कर आवृत्ति है इसको आप पहले समीकरण 4 लगा लेते हैं, इस समीकरण 4 में ये जो चक्कर आवृत्ति या सगट आवृत्ति है वो गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार इसका मान निम्न प्रकार होता है, z का मान गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार ये आता है z equal to 4 n square sigma square bracket में pi r d upon m की power half m की power half, ठीक है, ये आती है z की value according to गैसों के अणुगतिक सिद्धांत से क्या आता है z, z की value z क्या है, संगत आवृत्ति है और संगत आवृत्ति का मान है z equal to 4 n square pi r t upon m की पावर हाफ, ठीक है, तो इस सगट आवृत्ति का मान गैसों के अणुगतिक सिद्धांत द्वारा ज्ञात किया जा सकता है और गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार j की वैल्यू है 4 n square sigma square pi r t upon m की पावर हाफ, अब ये जो j की वैल्यू है हम इस समीकरण 4 में रखते हैं, j की वैल्यू को समीकरण 4 में रखने पर क्या आता है, j की वैल्यू क्या है 4 n square sigma square pi r t pi r t upon m की पावर हाफ into में क्या है c की पावर minus e a upon r t upon में क्या है z के upon में क्या था n square, ठीक है, तो ये n square और n square से क्या हो गए फर्क हो गए, पीछे क्या बचा k is equal to 4 sigma square pi r t upon m की पावर हाफ इनटू डी की पावर माइनस डी ए अपॉन आर, ए की वैल्यू क्या आती है पाई सिग्मा स्क्वायर सॉरी 4 सिग्मा स्क्वायर पाई आर टी अपॉन एन की पावर हाफ इनटू डी की पावर माइनस डी ए अपॉन आर टी आता, ठीक है, तो ये था क्रियाकारक अणुओं के मध्य अणुओं का निश्चित अभिविन्यास और फिर सक्रिय अणुओं की संख्या को हम अभिक्रिया सॉरी गतिज ऊर्जा यानी कि अभिक्रिया के वेग के रूप में हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं, तो ये सक्रिय अणुओं की संख्या को हम सक्रिय अणुओं की संख्या को गतिज ऊर्जा के रूप में इस प्रकार से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे हमने गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार जेड की वैल्यू पुट कर दी, जेड की वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या आता है के इक्वल टू 4 सिग्मा स्क्वायर पाई आर के अपॉन एम की पावर हाफ इनटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी आता है, ठीक है, तो ये था अपने संकट सिद्धांत के पहले मेन पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है, उसके बाद क्रियाकारक अणुओं के मध्य संकट सिद्धांत के अनुसार क्रियाकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर दो शर्तों पर निर्भर करती है, एक तो क्या थी टकराने वाले अणुओं की निश्चित गतिज ऊर्जा और दूसरा पॉइंट क्या था क्रियाकारक अणुओं के मध्य अणुओं का निश्चित अभिविन्यास, ठीक है, तो यहाँ पे अपने कंप्लीट होता है संकट सिद्धांत और टक्कर सिद्धांत, फिर अपने नेक्स्ट सिद्धांत कौन सा था, दूसरा नियम कौन सा था, गतिकी का ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी और एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।